अरे समझ क्या रखे हो छोटे यूट्यूबर को, तुम लोग बड़े यूट्यूबर, तुम लोगों को बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग बेवकूफ बनाते रहोगे, हम लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी बेवकूफ ना ये जनता है, क्योंकि बड़े क्रिएटर जो है ना वायरल हो चुके हैं, अब वो थूक देंगे, हक देंगे, चाहे कचरा फेंक देंगे, उसको भी ये जनता देखेगी। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता ना तो ये जितने भी बड़े क्रिएटर है ना वो हर वीडियो पे ना 10 लाख से ऊपर ही व्यूज लाते SEO करके। सब बेवकूफ बना रहे, मनोज दे, टेक्निकल योगी, यूट्यूब वाले बाबा, स्प्रेडिंग यार। ट्रिक नहीं लगाना है इसमें यूट्यूब में, बहुत से लोग ट्रिक भी ढूंढते हैं कि भैया एक ट्रिक लगा दें जिससे हमारा चैनल ग्रो हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए। ये जितने भी बड़े क्रिएटर है ना वो एक ही बात का रट्टा लगाए भाई कि SEO करना सीख जाओ। SEO करना सीख जाओगे ना तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आपकी हर वीडियो वायरल होगी, आपकी वीडियो सर्च में जाएगी, क्योंकि SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इससे आपकी वीडियो सर्च में जाती है। मेरा मानना बिल्कुल ही नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना वीडियो पे व्यूज लाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। अगर ऐसा होता तो इनसे आप लोग एक कमेंट करके एक ही बात पूछो कि आपके हर वीडियो पे 5 लाख 10 लाख ही व्यूज क्यों नहीं आता है, किसी पे 30,000, किसी पे 15,000, किसी पे तो 10,000 ही हो जाता है, 10,000 पे ही रुक जाता है, उनके हर वीडियो वायरल क्यों नहीं होती। हाँ, इनको ये बात आप लोग कमेंट करके पूछो। ये लोग ना आपको बेवकूफ बना रहे, आपको ही नहीं हमें भी बेवकूफ बना रहे, हम भी इनकी वीडियो बहुत दिन से देखते आ रहे। और एक और बात दोस्तों, अगर SEO से ही वीडियो वायरल हो जाती है तो इनको बोलो कि एक नया चैनल बनाए और नया चैनल बना के उस पे 10 दिन 20 दिन, मैं कहता हूँ 1 महीना काम करें, 1 महीने तक लगातार वीडियो अपलोड करें, और उसमें से मैं कहता हूँ कि 5 वीडियो 4 वीडियो, चलो 2 वीडियो ही वायरल करके दिखा दे, 2 वीडियो भी वायरल करके दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ SEO से भी बहुत कुछ होता है। SEO का मतलब कुछ नहीं होता, सब बकवास है। ये लोग इतना हौफा उड़ा रखे हैं कि हम लोग तो एक एक दो दो हफ्ते जो हमने नया नया चैनल क्रिएट किया था उसके बाद हम लोग एक एक हफ्ते तक परेशान रहते थे कि क्या होता है, कैसे आगे जाएगा, कैसे सीखे हम उसको, सर्च मारते रहते थे, पूरा पूरा दिन उसमें निकल जाता था, हमें क्या पता था कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमें। सब बेवकूफ बना रहे, मनोज दे, टेक्निकल योगी, यूट्यूब वाले बाबा, स्प्रेडिंग ज्ञान, सर्च 0.2। अगर सर्च करके देखोगे किसी के भी चैनल पे, आप नीचे जाके देखोगे ना तो उनका जरूर इस टॉपिक पे वीडियो बना रहता है, सब ने बना रखा है। तो ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि SEO कैसे करते हैं, इसीलिए ये वीडियो वायरल हो गया। SEO हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे अपने चैनल का SEO, उसके बाद करेंगे हम वीडियो का SEO। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वीडियोस को SEO करके सर्च में ला सकते हैं। SEO की मदद से आप अपने वीडियोस को सर्च में ले जा सकते हो। 30 लाख लोग आपकी वीडियो को तभी देखते हैं जब आपकी वीडियो का SEO अच्छे से होता है। मेरी SEO ये है क्या, और आप इसका यूज सही तरीके से शायद आप नहीं करते हो, तभी आपको व्यूज नहीं मिलता है। और ये देखो, अगर इनमें से ना इनका एक ऐसा है ना कि देखो, अगर मनोज ने एक वीडियो पे एक टॉपिक पे वीडियो बना दिया तो सभी उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, बेशक से वो कूड़ा कचड़ा हो, लेकिन उस पर वीडियो बनाना ही बना। वीडियो क्यों बनाते हैं पता है, कि ताकि आप लोग वॉच करें, उससे देख लें कि हाँ भैया कैसे वीडियो वायरल हो रहा है, चलो हम भी देखते हैं, आप लोग क्लिक करें उसको देखो, उससे उन लोगों का व्यूज मिलेगा, और व्यूज मिलेगा आधा से ज्यादा तो पैसा है भाई। आधा से ज्यादा तो छोटे क्रिएटर वायरल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनकी झूठी झूठी बातों में फंसे रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए अपनी वीडियो पे ध्यान नहीं देते हैं, इसमें ध्यान देते हैं कि उन्होंने ये सेटिंग बताई, ये सेटिंग करते हैं, वो करते हैं। अब आजकल बहुत ज्यादा वीडियो बन रहा है कि यूट्यूब स्टूडियो बार बार खोलने से क्या होता है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, YT स्टूडियो दिया ही गया है भैया उसको देखने के लिए कि मेरे चैनल पर कितना व्यूज है, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितना वॉच टाइम बढ़ा, वही देखने के लिए YT स्टूडियो दिया गया है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वीडियो आपको वायरल करना है ना तो आप लोग को ट्रिक नहीं लगाना है इसमें यूट्यूब में, बहुत से लोग ट्रिक भी ढूंढते हैं कि भैया एक ट्रिक लगा दें जिससे हमारा चैनल ग्रो हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए। तो भैया आप लोग एक ट्रिक लगाने वाले हो, अगर ट्रिक लगाना सीखते हो तो हमारी वीडियो को मत देखो, क्योंकि हम इस पे कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताने वाले हैं, आप लोग अभी जा सकते हो। दोस्तों सच में अगर आपको वीडियो वायरल करना है तो आप लोगों को वीडियो में क्वालिटी लानी पड़ेगी। क्वालिटी का मतलब समझते हो, क्वालिटी का मतलब ये होता है, ये नहीं कि कैमरे की क्वालिटी, नहीं दोस्तों कैमरे की क्वालिटी नहीं, वीडियो में जो आप बोल रहे हो आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपका कंटेंट सभी लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये पसंद आ सकता है, मतलब कुछ नया होना चाहिए यार, तभी तो पब्लिक देखेगी। पब्लिक एक ही चीज पे बनाते रहोगे ना तो पब्लिक देख देख के वो चीज बोर हो चुकी है। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि आप लोग जितना टाइम इनकी वीडियो देखने में देते हो ना उतना टाइम अपने वीडियो में दो, अपने वीडियो को इम्प्रूव करो, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो ताकि पब्लिक को पसंद आए। SEO का मतलब कुछ नहीं होता, SEO कुछ नहीं होता, ठीक है दोस्तों, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये लोग अपनी ही वीडियो इतना स्ट्रगल करके नहीं आते, ये लोग बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पहुंचे, अभी जाके SEO करो, ये करो, वो करो बताते हैं। अब तो सीख गए हैं ना, लेकिन अभी भी उनकी वीडियो डेली डेली वायरल क्यों नहीं जाती है भाई? वो तो सीख गए हैं, वो तो दूसरों को सिखा रहे हैं, तो उनकी वीडियो डेली डेली वायरल क्यों नहीं होती है? अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता ना तो ये जितने भी बड़े क्रिएटर है ना वो
हर वीडियो पे ना 10 लाख से ऊपर ही व्यूज लाते SEO करके। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मतलब तो यही है कि आप सभी का टाइम बहुत कीमती है, तो आप लोग यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, अपनी वीडियो में ज़्यादा ध्यान दो। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को इतना टाइम दिए उसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग सीखना चाहते हो कि वीडियो को कब अपलोड करना चाहिए, कैसे अपलोड करना चाहिए, चैनल कैसे बनाना चाहिए, तो आप लोग एंड स्क्रीन पे आ रही ये दो वीडियो को क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।